नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की ऐसी 5 बेटियों के बारे में जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बिहार का नाम रोशन किया है। बिहार की प्रतिभा हर स्तर पर आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे वो खेल का मैदान हो, अभिनय की दुनिया हो या फिर लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक पत्रकारिता हो। हर स्तंभ पर बिहारियों ने अपने साथ साथ बिहार का भी मान बखूबी बढ़ाया है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की 5 ऐसी महिला बेबाक पत्रकारों के बारे में जिनके सामने बड़े से बड़े नेता ने चुप्पी साध ली है। इनमें हम सबसे पहले आज बात करेंगे श्वेता सिंह की। बात महिला पत्रकारों की हो और श्वेता सिंह का नाम ना आए ऐसा नहीं हो सकता। श्वेता सिंह आज हर घर में पहचानी जाती है। हालांकि श्वेता का पत्रकारिता का सफर आसान नहीं था। पत्रकारिता में अपना लोहा मनवाने वाली श्वेता सिंह का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 21 अगस्त 1977 को हुआ था। श्वेता बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी तेज थी और यही कारण है कि उन्होंने पत्रकारिता का रास्ता चुना था। जिनको नहीं पता उन्हें हम बता दें कि श्वेता सिंह ने उस दौर में अपने पत्रकारिता की शुरुआत की थी जब समाज में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। श्वेता ने अपनी जर्नलिज्म की पढ़ाई पटना के विमेंस कॉलेज से की थी। वहीं उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पटना के ही टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स के साथ करके की थी। हालांकि कुछ समय बाद वो दिल्ली रवाना हो गई थी जहां उन्होंने जी न्यूज के साथ काम किया, मगर कुछ ही सालों बाद साल 2002 में उन्होंने आज तक को ज्वाइन किया था, जिसके बाद से तब से लेकर अब तक वो आज तक के साथ जुड़ी हुई है। श्वेता सिंह को उनके काम के लिए कई अवार्ड से भी नवाजा गया है, जिसके तहत श्वेता को SJFI अवार्ड फॉर सौरभ का सिक्सर 2005, ENBA अवार्ड फॉर बेस्ट प्रोड्यूसर 2013, ENBA बेस्ट बिजनेस शो फॉर श्वेत पत्र बजट 2014, NT अवार्ड फॉर बेस्ट एंकर 2012, NT अवार्ड बेस्ट टॉक शो बिजनेस, बेस्ट टॉक शो एंटरटेनमेंट, बेस्ट एंकर 2015, ENBA बेस्ट एंकर 2017 से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद अब हम बात करेंगे अंजना ओम कश्यप की। बहुत लोगों को यह बात पता नहीं होगी कि अंजना ओम कश्यप का रिश्ता बिहार से है। अंजना का जन्म झारखंड के जमशेदपुर में 12 जून 1975 में हुआ था, लेकिन जमशेदपुर पहले बिहार का हिस्सा था, इसलिए अंजना बिहार की बेटी के रूप में भी पहचानी जाती है। वहीं मूल रूप से अंजना का जन्म बिहार में ही हुआ था। वहीं अंजना का नौनिहाल भी बिहार में है और यही कारण है कि अंजना भोजपुरी भी अच्छी खासी बोल लेती है। शुरुआती समय में अंजना पेशे से डॉक्टर बनना चाहती थी, हालांकि किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, जिसके बाद अंजना ने UPSC में अपना करियर बनाने की सोची, मगर इसमें भी वो सफल नहीं हो पाई। और फिर क्या था, अंजना ने UPSC की तैयारी के दौरान ही खबरों को समझना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाने का सोचा और जामिया में उन्होंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की। हालांकि पत्रकारिता की राह भी आसान नहीं थी। अंजना को नौकरी पाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अंजना को दूरदर्शन में नौकरी मिली। फिर अंजना पर जी न्यूज वालों की नजर पड़ी, जहां उन्होंने लंबे समय तक काम किया। फिर वो न्यूज 24 में गई, जिसके बाद उन्होंने स्टार न्यूज में भी काम किया। हालांकि स्टार न्यूज छोड़ने के बाद अंजना ने आज तक को ज्वाइन किया, जिसके बाद से वो अभी तक आज तक का ही हिस्सा है। इतना ही नहीं, अंजना के हल्ला बोल शो ने भी टीवी पर खूब सुर्खियां बटोरी है। अब आगे हम बात करेंगे सारिका सिंह की। पेशे से न्यूज एंकर सारिका सिंह वर्तमान समय में BBC के साथ काम कर रही हैं। बेशक आप में से बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखा होगा, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि BBC में नाम कमाने वाली सारिका का जन्म कहीं और नहीं बल्कि बिहार में हुआ था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बेझिझक अपनी बातों को आवाम के सामने रखने वाली सारिका का जन्म बिहार के आरा जिले में हुआ था। हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर न्यूज एंकर जी न्यूज से की थी, जिसके बाद उन्होंने न्यूज नेशन के साथ मिलकर काम किया था। साल 2014 में उन्होंने BBC को ज्वाइन किया था, तब से लेकर आज तक वो BBC के साथ ही काम कर रही है। सारिका सिर्फ खबरों को देने में सक्रिय नजर नहीं आती, बल्कि सारिका अपने सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे श्वेता झा की। श्वेता झा का जन्म झारखंड के जमशेदपुर में 21 अक्टूबर को हुआ था। हालांकि जब श्वेता
श्वेता का जन्म हुआ तो जमशेदपुर बिहार का हिस्सा था, इसलिए श्वेता बिहार की बेटी के रूप में भी पहचानी जाती है। श्वेता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 16 साल का अनुभव है। श्वेता ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत साल 2004 से की थी, जहां उन्होंने सबसे पहले सहारा समय में काम करना शुरू किया था। वहीं साल 2007 में उन्होंने इंडिया टीवी में काम करना शुरू किया था, जिसके बाद उन्होंने साल 2013 में काम करना शुरू किया था, जहां वो अभी तक इससे जुड़ी हुई है। श्वेता के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो श्वेता ने शुरू से ही अपने सपनों का पीछा किया है। काफी छोटी उम्र से ही श्वेता न्यूज एंकर बनना चाहती थी और यही कारण है कि उन्होंने जमशेदपुर से दिल्ली तक का सफर पूरा किया था। अब आखिर में हम बात करेंगे पूजा भारद्वाज की। पूजा भारद्वाज का जन्म पटना बिहार में हुआ था और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पटना से पूरी की थी। बाद में वो मुंबई चली गई और एनडीटीवी के साथ काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में की थी, जब वो एक स्थानीय केबल चैनल के साथ सिर्फ 14 साल की थी। बाद में वो एनडीटीवी इंडिया में शामिल हो गई, जहां वो लगातार रात में बुलेटिन की मेजबानी करती है। तो दोस्तों, ये थे बिहार की 5 फीमेल न्यूज एंकर जिन्होंने पूरे देश में अपने साथ साथ बिहार का नाम भी रोशन किया है। इनमें से कौन सी एंकर आपको सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।